हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। ये क्लिप है लास्ट वीकेंड का। हम लोगों ने आए थे एक हिना नंदानी का प्रोजेक्ट देखने के लिए, जिसमें तीनों टाइप का होम से, फ्लैट से, रो हाउसेस है एंड विलाज है, एंड हर कोई कैटेगरी में डिफरेंट स्क्वायर फीट का ऑप्शंस भी है। सो ये जो पूरा प्रॉपर्टी है ये 76 स्क्वायर फीट के ऊपर ही है। जो हेबल में हमारा जो फ्रेंड्स रहते हैं हरा एंड रश्मि, उनका ये उनका ऑफिस का एक फ्रेंड का घर यहाँ पे है, तो वो लोग विल्ला लिए हैं। हरा रश्मि तो पहले आए थे इसमें, देख के गए थे उनका विल्ला, बट आज सडनली प्लान हुआ, हम लोग इकट्ठा यहाँ पे आए हैं देखने के लिए ये प्रोजेक्ट। सो ये देवनाहल्ली में है। देवनाहल्ली आप लोगों को पता है बेंगलोर का जो न्यू एयरपोर्ट है, वही रोड पे, एक्चुअली सिटी से थोड़ा सा दूर है। अभी ऑलरेडी हम लोग कैंपस के अंदर पहुंच गए हैं। ब्यूटीफुल ग्रीनरी एंड ब्यूटीफुल एम्बियंस है। पहले फ्लैट को क्रॉस करके हम लोग को जाना पड़ा रो हाउस साइड में, देन विल्ला के साइड में आगे पहुंच गए हैं हम लोग। ये है जिसके घर में हम लोग आए हैं, उनका विल्ला। आदित्य गाड़ी पार्क कर रहे हैं, हम लोग एक ही गाड़ी में आए हैं आज। ये विल्ला का एक लुक आप लोगों को दिखा दी। ये है विल्ला का गार्डन्स, जिसमें इतने सारे कलरफुल बोगनविला थे। रश्मि यहाँ पर घूम रही है, मैं भी थोड़ा सा हल्का सा इनका क्लिप ले रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेफ होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। अभी टाइम हुआ है 11:30। मैं नीचे आई हूँ, बेसमेंट में वॉक कर रही थी, सो टायर्ड हो गई। दो मिनट रेस्ट लेकर फिर मेरा वॉकिंग चालू करूँगी। आज का दिन बहुत मज़े का दिन है। मेरे जो फ्रेंड्स सब है वो लोग आएंगे आज। मैं कुछ फ्रेंड्स को बुलाई है आज घर में, जो जो आना चाहते हैं या आने के लिए यू नो लाइक इंटरेस्टेड है वो लोग आएंगे आज। हम लोग एक साथ बैठेंगे, गप्पे मारेंगे, खाना खाएंगे, वही है आज का जो शेड्यूल। अच्छा लगता है फ्रेंड्स को घर बुलाना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो मैंने सोचा कि वॉक थोड़ा सा कर लूँ उससे पहले। अब मॉर्निंग में वॉक नहीं हो पा रही थी एंड काम में थोड़ा सा उलझ गई थी, ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब ऐसे घर का खाना जो हमारे लिए बनता है वो उन लोगों को भी सर्व करूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, क्या होता है ना, बेसिकली एक साथ बैठना, गप्पे मारना और टाइम स्पेंड करना मोटिव होती है। खाना तो एक बहाना है, जो भी मिलेगा खा लेंगे थोड़ा सा। चलिए उन लोगों को आने दो, आने के बाद में आप लोगों के साथ उन लोगों को मिलाती हूँ, उन लोग का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रेंड्स वॉक करते करते एक चीज़ नज़र में आई तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये हमारे जो बॉर्च ब्लॉक है उसके सामने खाने पीने का कुछ इंतजाम किया गया है। ये शायद कोई मंदिर से या कोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से, बट यहाँ पे बड़ा बड़ा ड्रम है जिसमें कुछ फूड तो डेफिनेटली है। यहाँ पे हर कोई आई थिंक आके खा सकते हैं। पता नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा, मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं हमारे कैंपस में, तो सोचा इसको थोड़ा सा आप लोग के लिए कैप्चर कर दूँ। चलिए अभी घर जाते हैं एंड मेरे जो फ्रेंड्स वगैरह आएंगे उसके लिए कुछ इंतजाम करते हैं। मैं आके घर पहुंच गई एंड डाइनिंग टेबल सेट करवा दी। अभी लंच का टाइम है और इन लोगों का मैं वेट कर रही हूँ। मेरा टेबल, डाइनिंग टेबल का सेटअप कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी चलिए किचन में जाते हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या बनाई। ये है क्रिस्पी भिंडी फ्राई, जो भिंडी को लंबा लंबा पतला कट करके उसको क्रिस्पी फ्राई किया गया है। ये है मेरा फेवरेट सोयाबीन आलू का सब्जी, और ये भी आदित्य का फेवरेट है। ये है ग्रीन सलाद, ग्रीन सलाद के बिना तो कोई लंच जमता नहीं है। ये है सोरसे इलिश, सोरसे इलिश बंगाली लोगों को पता चलेगा, बंगाली डेलिकेसी है। इलिश फिश को मस्टर्ड ग्रेवी में बनाया जाता है। ये और एक बार आप लोगों को दिखा
दिखा देती हूँ, सोयाबीन आलू का सब्जी जो आज का किचन का सबसे यू नो मेरा फेवरेट है। और ये है दाल फ्राई, प्लेन राइस कभी सर्व करो और दाल ना हो ये तो हो नहीं सकता, तो दाल फ्राई भी किया गया है। अभी मैंने दो स्टार्टर बनाए हूँ, चलिए दिखाती हूँ। ये है हमारे स्टार्टर्स, प्रॉन बैटर फ्राई, एंड ये है जो बेबी पोटैटो का क्रिस्पी फ्राई। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम हुआ है 12:25, अभी तक कोई नहीं आए, मेरा सब चीज़ रेडी है। मैंने अभी भी आप लोगों को दिखाई क्या क्या सब बनाई हूँ, उसको बाद में आप लोगों को बोलती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बनाए घर के लिए, जैसे मैंने सुबह बोला आप लोगों को कि घर के लिए जो बना रही हूँ उसको ही बनाऊँगी। और ये लोगों को मैंने आज रेड आउटफिट में आने के लिए बोली हूँ, इसका क्या वजह है कि कल वैलेंटाइंस डे गया है तो रेड पहनेंगे तो थोड़ा वैलेंटाइंस डे का वाइब्स आ जाएगा, मज़ा आता है। कभी कभी ये सब छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेशन के माध्यम से हम लोग रियलाइज़ कर पाते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ लाइफ में, और क्या चाहिए, आँख में कुछ गिर गया। सो आज है ना बहुत एक सनी डे बैंगलोर में, हाईएस्ट टेम्परेचर बैंगलोर में अभी 31-32 जा रहा है, लोएस्ट टेम्परेचर 15-16 है स्टील, ये यूनिकनेस बैंगलोर का है। जितना हाईएस्ट जाएगा उसका एकदम आधा हो जाएगा लोएस्ट टेम्परेचर, सो तबीयत ख़राब हो जाती है। और बेडरूम में खड़ी हूँ, सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात कर लूँ, उन लोग के पूरा तो खाना पीना सब रेडी है, उन लोगों के लिए तो लेट वेट कर रही हूँ। सो वो ये लोग आते आते 2 बजाएंगे, आज 2:00 हो ही जाएगा, सो लेट लंच होगा मुझे जो लग रहा है। मैं एकदम रेडी हूँ मेरे आउटफिट के साथ, ज़्यादा कुछ नहीं किया आप लोगों को पता है। और सुबह गई थी थोड़ा हेयर वॉश करने के लिए, हेयर वॉश करके आ गई कैंपस के अंदर ही, तो ऐसा सब है। इन लोगों को आने दो, मेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, आने के बाद हो सकता है तो कैमरा के सामने उन लोगों को लेके आऊँगी। फिर अपना तो आ गई है, आइए अपना का स्वागत करते हैं। आइए आइए मैडम, हमारे घर में आपका स्वागत है। सो अपना को मैं बोली हूँ बेडरूम चलने के लिए, चलिए मैं भी जाती हूँ उसके पीछे पीछे। I'll give you a little bit of something, honey or something, so that the throat will be, No. No, milita kame nitte pachhi na. The dress cha to ekta. यहाँ पे मौज मस्ती चल रहा है, लंच ओवर हो गया। अपना को मैं थोड़ा सा यू नो लाइक मसाज करने का कोशिश कर रही हूँ और सब लोग हंस रहे हैं, यही है ना, यही तो मज़ा होता है जब सब लोग मिलते हैं और चिट चैट होता है। एक जन के घूम ऐसे अच्छे फ्रेंड्स, बेड के ऊपर मिली एंड अपर्णा है यहाँ पे। ये है हमारा रानी, रानी बहुत सुंदर गाती है, सी हैज़ अ ब्यूटिफुल स्वीट वॉइस। हम लोगों ने उसको रिक्वेस्ट किए हैं एक गाना गाने के लिए सुंदरी, और वो जाने वाली थी एक्चुअली, वो जाने के लिए हड़बड़ी में थी, बट हम लोगों ने सबने उसको रिक्वेस्ट किए और वो गाना चालू की। La la la।
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी टाइम हुआ है 6:45। सब फ्रेंड्स घर चले गए हैं। मैं गई थी लास्ट को अपन को छोड़ने के लिए, उधर से आके नहीं आई इमिडिएटली। सोचा नीचे गई हूँ तो थोड़ा सा वॉक करके आ जाऊँ। सो थोड़ी देर वॉक की, बहुत टायर्ड हूँ। मेरा फेस देख के आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, इतने जोश से बात किए, मज़े किए, गप्पे मारे, खाना खाए और मन पूरा एकदम जो बोलते हैं ना, सो एकदम खुश हो गया। आज रानी ने इतना अच्छा गान गाई है, इतना सुंदर गाई है वो, ये तो पूरा जैसे बोलते हैं ना, चेरी ऑन द केक हो गया आज के प्रोग्राम का। सो थैंक यू रानी फॉर योर ऑसम यू नो लाइक म्यूजिक, ऑसम सॉन्ग यू सैंग, एंड सबको थैंक यू सो मच, मिली, ससी, अपना, सबको। और बहुत मिस की हूँ द फ्रेंड्स को, तो जो लोग नहीं आ पाए, बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज करेंगे और एक गेट टुगेदर कहीं पे जाएंगे। सो ये तो लगता ही रहता है और क्या। सो पूरा हेक्टिक दिन के बाद बहुत सारे क्लिप्स आज एक्चुअली मैंने नहीं ले पाई, क्योंकि जब कोई घर में आते हैं हम लोग बातें करने से, इंटरेक्ट करने से इतना मशगूल हो जाते हैं कि कैमरा उठाने के लिए भूल जाते हैं। मेरा ही हालत वही है। ड्रेस चेंज कर लिया, पूरा एकदम कंफर्ट ड्रेस में हूँ। अभी चाय नहीं पी अभी तक, अभी जा रही हूँ आराम से बैठ के एक कप चाय, गर्मा गर्म चाय पीऊँगी, और उसके बाद आज मेरा किचन में जाना शायद नहीं होगा। तो सोनू आएगा कुक करने के लिए, उसको बोल दूँगी, हल्का फुल्का कुछ खाएंगे और वही है। चलिए आज का जो ब्लॉग है, आज का जो वीडियो है, उसको यहीं पे रखती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा मेरे ब्लॉग में, डू लाइक, सेलेक्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जो मेरे चैनल में मैं जब भी इंफॉर्मेटिव होम डेकर, मौज मस्ती वाला डेली ब्लॉगिंग जो भी शेयर करूँगी, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।